अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी हिना। टुडे इज़ वेरी स्पेशल व्लॉग। इन दिस वीडियो आई विल शो यू माय ईदी गाइस। यस, आई एम एंगेज्ड और ये मेरी फर्स्ट ईदी आई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज माय फर्स्ट ड्रेस। दिस इज लाइक रस्ट मरून कलर। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड अलॉन्ग विद दिस इज बैंगल्स, matching earrings. I will show you in detail. इसमें ये क्यूट सी क्रॉप टॉप है और ये देखिए नेकलेस वाला दुपट्टा है। इसमें पतला सा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और ये इसके साथ है शरारा और मैचिंग बैंगल्स है, ईयरिंग्स है। हम मैं आपको बैंगल्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गोल्डन और मरून पे बैंगल है। ये इसकी मैचिंग ईयरिंग है, बहुत ही प्यारी। मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैं तो आपसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करना था। ये देखिए, बहुत ही प्यारी इसके बैंगल्स है। मुझे बैंगल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बचपन से जब भी मैं इनकी शॉपिंग करती थी, बैंगल्स मैं मस्ट लेती थी। और ये सेकंड ड्रेस है, ये है ग्रे कलर का। ये बनारसी फैब्रिक पे है और ये इसके इसके एंड पे ये लेस लगी हुई है, गोल्डन कलर में, ग्रे कलर में। और ये फैब्रिक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना प्यारा है। ये ब्लूइश ग्रे है और इसके मैचिंग ईयरिंग देखिए, कितनी ही खूबसूरत इसकी ईयरिंग है। ये झुमके टाइप की जो ईयरिंग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये देखिए, ये कितना ही प्यारा है। इसकी मैचिंग बैंगल्स है, मैं आपको बैंगल्स से पहन के दिखाऊँगी। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, ये शिफॉन दुपट्टा है और इसमें भी बनारसी लेस लगी हुई है गोटा पट्टी के साथ। और ये इसमें सीक्वेंस का काम है। ये इसका फाइनल लुक है और ये इसके बैंगल है मैचिंग, बहुत ही खूबसूरत है। ग्रे कलर, ब्लूइश ग्रे है, नॉट ग्रे प्रॉपर। ये देखिए, माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह सब कुछ इतना प्यारा है कि मुझे तो इस पर वीडियो बनानी थी, मुझे तो आप शेयर करना ही करना थी अपनी वीडियो। और ये मेरी थर्ड ड्रेस जो कि ऑर्गेंजा पे है। ऑर्गेंजा आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। जिसकी मैचिंग बैंगल्स है और इस पे वर्क देखिए, सीक्वेंस का वर्क है गोल्डन कलर के, बहुत ही खूबसूरत है। इसका कलर बहुत खूबसूरत है, ये मासी ग्रीन कलर है। इसका मैचिंग ईयरिंग्स है, ये देखिए। और ये इसकी बैंगल्स है सिल्वर कलर की। ऐसे कलर की मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी लेकिन मैंने नहीं लिया। ये देखिए, बहुत ही प्यारी बैंगल्स है। आई लव दिस बैंगल्स। मेटल पे है ये। और ये बैग है ब्लैक कलर का, बहुत ही खूबसूरत सा बैग है। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। बहुत बड़ा नहीं है, जितना मैं लेती हूँ बिल्कुल ये बिल्कुल उसी एग्जैक्ट साइज़ का है। और मैं इसको अपने मरून ड्रेस पे भी पहन सकती हूँ, मैं इसको नकाब पे भी पहन सकती हूँ। बहुत ही प्यारी। और इसके जो स्टेप है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत, बिल्कुल स्मार्ट क्लासी लग रहा है एकदम, एंड वेरी ईजी टू कैरी। और ये दो दुपट्टे आए थे, ये देखिए क्रोशिया की लेस लगी हुई है, नेट के दुपट्टे हैं, सीक्वेंस का काम है इसमें, सीक्वेंस और धागे की कढ़ाई है। इस पर मैं कॉटन का सूट बनवा लूँगी सिंपल सा, उस पर मैं ये दुपट्टा लगा सकती हूँ। इंशाल्लाह जब मैं लगाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए, कुछ एक्स्ट्रा ईयरिंग्स आए थे, एक सिल्वर कलर का, एक ये छोटू सा, ये शायद कुंदन का बोलते हैं इसको, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए, एक प्यारा सा ग्रे कलर का। और ये मेरे अंडे के दो सूट आए थे, एक ये ग्रीन कलर का है, इसकी मैचिंग इसमें मैंने सिल्वर कलर का ये बैंगल्स लगाया हुआ था, ये मैंने ईयरिंग पहने हुए थे। और ये दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ इसकी। ये देखिए, ग्रीन कलर की कॉटन की शर्ट है, इसके ऊपर ये सीक्वेंस लगी हुई है, डार्क ग्रीन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं कॉटन धागे से। और ये देखिए, ये स्लीव्स पे भी लगा हुआ है सिलेस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। इसके साथ प्लाजो है, मतलब पैंट है इसकी, ये देखिए नैरो। और मैंने इस पर जो ग्रीन कलर का लाइट कलर का दुपट्टा था, मैंने ये लगा लिया था इसके ऊपर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कंफर्टेबल कॉटन है ये, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। और ये सेकंड वाला है, ये लाइट पर्पल जो कि आजकल ट्रेंड में है ये कलर कॉटन पे। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, इसकी मैचिंग ईयरिंग्स, इस पर भी प्लाजो है, ये पूरा कुर्ता सेट है और इसके साथ प्लाजो है, इसका दुपट्टा है।
ये देखिए इसमें स्लीव्स में वैसे डिज़ाइन है जी, इसका दुपट्टा है, इसमें मोटी सी लेस जो आजकल चल रही है ये लगी हुई है, और ये इसकी पैंट है, बहुत ही खूबसूरत है ये इयर रिंग्स है इसका। ये मैं ऑनलाइन देखती थी, मुझे ये लेना था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मैं यू नो कभी कभी आप सोचते हैं कि बाद में ऑर्डर कर देंगे, ले लेंगे ये वो, लेकिन देखिए ये आज मेरी ईदी में आ गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी वजह से। और बस ये मेरे सूट थे जो मुझे, मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ अम्मी को, पापा को, थैंक यू सो मच अम्मी, आपने मेरे लिए इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत ईदी लेके आई, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, आपको जब से मेरे चैनल के बारे में पता चला है आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं, आपने कभी भी मुझसे ये नहीं बोला कि तुम ये नहीं करना वो नहीं करना तुम ये नहीं करो, आप बहुत ही अच्छी हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिल रही हैं। आई लव यू सो मच अम्मी, और मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और गाइस ये है मेरी एंगेजमेंट रिंग, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, इसका बॉक्स बहुत ही प्यारा है, और मैं लाइफ में जितनी भी इयररिंग्स और रिंग्स ले लूँ ये मेरी रिंग फेवरेट रहेगी लाइफ टाइम। और ये है वेरी बिग एंड वेरी क्यूट टेडी बियर जो कि मेरी फियांसे ने मेरी बर्थडे पे मेरे लिए भेजा था, मैंने सोचा ये भी मैं आज आपसे शेयर कर लूँ। आप बताइए आपको मेरी ईद ही, और ये मेरा छोटा सा तो नहीं प्यारा सा टेडी बियर कैसा लगा। और ये मेरी सैंडल्स आई थी तीन, ये पीच गोल्ड और ये एक ब्लैक गोल्डन में है, और ये न्यूड कलर की सैंडल है, मुझे ये तीनों सैंडल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। एक ये देखिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, इसको मैं पार्टी में भी पहन सकती हूँ, इसको मैं कुर्ते भी पहन सकती हूँ, जीन्स भी पहन सकती हूँ, और ये देखिए ये तो मैं बिल्कुल शादियों में ही पहनूंगी, ऐसे तो मैं पहन ही नहीं सकती, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए इसको मैं नकाब पे पहनूंगी, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, ये देखिए। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको मेरी ईद बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये ईद मेरी पूरी लाइफ की बेस्ट ईद थी आज तक की, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। मैं वैसे तो मैं ऐसे शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज इस बार ईद में मेरी टेलर ने भी मुझे धोखा दे दिया था, मेरे कपड़े नहीं सिल पाए थे, कि शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी किस्मत में मेरी ससुराल के ड्रेसेस थे पहनने को, तो मैं वही पहन रही हूँ, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है।